बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है और इसके अंदर अचार मसाला का जो तमाम का तमाम मेजरमेंट है, जो क्वांटिटी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से भी मिल जाएगी, ताकि आप उससे मिक्स अचार या किसी और सब्जी का अचार जो है वो भी बना सकें। तो ये ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करें तो इसकी एक तस्वीर मेरे फेसबुक के ऊपर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपके नाम के साथ इसे पोस्ट कर दूंगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। आम का अचार डालने के लिए 1 किलो मैंने कैरियाँ ली हैं, उनको धो के पोंच के और उसके बाद मैंने इनके 4 टुकड़े किए, फिर बीज निकाल के उस एक एक टुकड़े का भी 4 टुकड़े कर लिए, क्योंकि मुझे इससे बड़े टुकड़े आम के अचार में पसंद नहीं है। आप ज़्यादा बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये 1/2 किलो से ज़्यादा है तकरीबन कैरी, जिसको छिलका उतार के मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको मैं छन्नी में डाल के या किसी मलमल के कपड़े से इसका पानी सारा निचोड़ लूँगी। इसके अलावा जो मसाले इस अचार के अंदर जाएंगे, उसमें हमने लिया है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून राई, और ये पीली और काली मिक्स हुई हुई है। तो मेरे पास दोनों मिक्स हुई हुई थी, तो मैं दोनों ही ले रही हूँ। आप सिर्फ पीली या सिर्फ काली भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर सौंफ जाएगी, 1 टीस्पून लेवल्ड इसके अंदर मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून लेवल्ड इसके अंदर मैंने मेथी दाना लिया है। इसके अलावा जो नमक और हल्दी मैं डाल चुकी हूँ पहले कतलियों में, उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून लेवल नमक और लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये मैं देख के डालूंगी अचार के अंदर। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आप कम खाते हैं, आप अचार में कम भी डाल सकते हैं। 1/2 कप इसके अंदर सिरका है, और तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर तेल है। ये कनोला ऑयल है, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी जगह सरसों का तेल खूब अच्छी तरीके से कड़कड़ा के, जब वो तेज़ गर्म हो जाए तो फिर उसे ठंडा करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास आम की कतलियाँ हैं, इनके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून हल्दी मैं डालूंगी, और उसके बाद इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी, और एक पूरा दिन की हम इसे धूप लगाएंगे। तो मैं इस प्याले में से निकाल लूंगी और इनको एक फैले हुए तसले के अंदर डाल लूंगी। इसमें से जो पानी रिलीज होगा, हम उस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो मैंने इसे खुले बर्तन में निकाल लिया है, और इसके ऊपर धूप में रखते हुए मैं कोई भी मलमल का कपड़ा या दुपट्टा डाल दूंगी, और इसको तकरीबन मैं 1.5 दिन की धूप लगाऊंगी। अब मैंने क्या किया है, धनिया, राई और सौंफ तीनों को मैंने पीस लिया है। धनिया और राई मैंने अच्छे तरीके से पीसी है, और सौंफ मैंने दरदरी पीसी है। उसके अलावा कलौंजी और मेथी दाना एज इट इज है, ये हल्दी और नमक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि मलमल के कपड़े से आप इसका पानी निकाल लीजिएगा, तो तकरीबन इसका मैंने ज्यादातर पानी जो है वो निकाल लिया। हम डालेंगे कलौंजी और मेथी दाना, सब चीजें मैं आधी आधी डालूंगी, सिर्फ ये नमक और हल्दी जो है ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि हम उसके लिए हल्दी और नमक डाल चुके हैं पत्तियों के लिए। खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके, और मैं इसे कवर करके बस इसको रात भर में किचन में ही छोड़ दूंगी, और ये जो बाकी मसाला है ये सब एक जगह करके मैं रख लूंगी, और हम जब कल पतलियां धूप में से उतारेंगे तो बाकी मसाला हम उसके अंदर मिक्स करेंगे। तकरीबन 1.5 दिन की धूप लगा के मैंने इसे छत पे से उठा लिया है, और आपको दिखाती हूँ, देखें कितना सारा पानी इसके अंदर से रिलीज हुआ है। ये सारा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम मसाला मिलाएंगे। पानी मैंने इसका सारा डिस्कार्ड कर दिया है, और ये सारे मसाले मैंने एक जगह करके रखे हुए थे, ये चले जाएंगे इसके ऊपर। मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं, तो वो मैं डालूंगी। नमक जो है वो मैं चख के डालूंगी। 1 टीस्पून मैं मिर्चों का और ले रही हूँ। और अब इसके बाद ये जो हमने कद्दूकस की हुई कैरी तैयार की थी, ये भी इसी के अंदर चली। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे।
अब इसके ऊपर हम क्वार्टर कप के करीब सिरका डालेंगे। मिक्स करेंगे सारा मसाला अच्छे तरीके से। अब हम इसे बर्नी में भरेंगे और बर्नी में भरने से पहले आप इस मसाले में नमक मिर्चे वगैरह चेक कर लें। तो मैं आधा चम्मच इसके अंदर नमक भी डाल रही हूँ। वापस से इसे मिक्स करते हैं और फिर मैं इसे बर्नी में भरूंगी। तो बर्नी मैंने पूरी भर ली है और ये अचार भी बर्नी में आ सकता था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको एयर टाइट करके पैकेट के अंदर तैयार करा। ये बिल्कुल एयर टाइट पैकेट तैयार कर लिया है मैंने। आप इस अचार को इस तरह एयर टाइट करने के बाद अलग अलग पैकेट्स में बना के और फ्रीज कर दें, और फिर उसके बाद आप इसे जब निकालें तो इसको रूम टेम्परेचर में आने दें। उसके बाद अब उसके अंदर ताज़ा तेल डालें और आप इसे साल सवा साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये मेरी आजमाई हुई टिप है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मैं भी इस तरह कर चुकी हूँ। ये इसमें चला जाएगा, इसका ढकना लगाएंगे जो कि एयर टाइट है, और फिर इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये मैंने अच्छे से हिला लिया है, अब इसका एयर टाइट ढकना हम हटा देंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। ये मलमल का एक कपड़ा लिया है मैंने, डबल किया हुआ है, इसको मैं इस पे इस तरीके से रखूंगी और उसके बाद इसका हम मुंह बंद कर देंगे। अचार को इस तरीके से हमने कपड़े से अच्छे तरीके से लपेट के बांध दिया है। अब इसके बाद हम इसे 3 दिन की धूप लगा लेंगे और उसके बाद इसको एयर टाइट ढकना लगा के हम किचन में ही छोड़ देंगे। तकरीबन ये हफ्ते भर के अंदर तैयार हो जाएगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर इसे धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये किचन के अंदर रखे रखे ही 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सिंपल कैरी का अचार बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ईजी और मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।